हाय फ्रेंड्स, मैं अश्विन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये वीडियो एक मैराथन सेशन है, ईडियम ऑफ द डे के डे 61 से लेकर डे 90 तक जो भी 30 लेक्चर्स हुए थे उनका। ये मैराथन सेशन आपको कई तरीके से हेल्प कर सकता है, जैसे कि आप अपना रिवीजन कर सकते हैं पिछले सारे सेशंस का। दूसरा, अगर आपने उन सेशंस को मिस किया है तो ये चांस है सारे सेशंस के वीडियोस को एक ही बार में देख लेने का, राइट? अच्छा, दूसरी बात, वाइल वॉचिंग द वीडियो आप ये ध्यान रखें कि आप इजीली इसकी स्पीड को 1.25x कर सकते हैं। दूसरा, जो भी ईडियम्स आपको अच्छे से आते हैं उनको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप स्किप करके सीधे उन ईडियम्स पे पहुँचें जो ईडियम्स आपको नए लगते हैं या जिनके मीनिंग को लेके आपको डाउट है। दिस विल सेव योर टाइम। एंड में मैं आपसे यही कहूँगा कि आप वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में जाके ये बताएं मुझे कि पिक ऑफ द ईडियम क्या रहा, क्या रहा आपके लिए, मतलब कोई टॉप 1 ईडियम या कोई टॉप 5 ईडियम्स जो आपको लगा हो हाँ बहुत बढ़िया इंक्लूड किए हैं मैंने इसमें। ये करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं ये समझूंगा कि हाँ यू आर रियली अप्रिशिएटिंग माई एफर्ट्स। तो हैप्पी लर्निंग, लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन फ्रेजेस पे बेस्ड है। एक ईडियम है आपके सामने और उस ईडियम का क्या नाम है? वांस कप ऑफ टी। बड़ा ही चलता फिरता ईडियम है। वांस कप ऑफ टी का मतलब होता है समथिंग दैट यू लव डूइंग, जो चीज आपको करनी अच्छी लगती है एंड नेचुरली यू आर बेटर एट डूइंग दैट थिंग। समझ रहे हैं? आप बेहतर तरीके से उस काम को कर भी सकते हैं। तो इफ समथिंग इज योर कप ऑफ टी, यू लव डूइंग दैट थिंग एंड यू आर क्वाइट गुड एट डूइंग दैट, आप उस काम को करना पसंद करते हैं और उस काम को आप बेहतर तरीके से भी करते हैं। जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ तो टीचिंग इज माई कप ऑफ टी। कोई राजनीति में हो सकता है तो पॉलिटिक्स कैन बी योर कप ऑफ टी। जो चीज़ आपको पसंद है, दैट यू लव डूइंग, दैट यू एंजॉय डूइंग मोस्ट ऑफ द टाइम, और फिर जब आप किसी काम को लगातार करेंगे, अधिकांश समय तक करेंगे, तो नेचुरली आप उसमें बेहतर तो हो ही जाएंगे ना। तो इसका सही ऑप्शन होगा वंस चोजन और प्रेफर्ड थिंग। वंस परसेप्शन का मतलब है कि किसी भी चीज को लेकर के आपका आपका नजरिया, आपका दृष्टिकोण। वंस जनरल प्रिंसिपल, एक सामान्य व्यवहार। हार्ड अर्न्ड मनी का मतलब होता है मेहनत से कमाया हुआ पैसा। सही ऑप्शन होगा वांस चोजन और प्रेफर्ड थिंग, जिससे आप चूज करते हैं या पसंद करते हैं करना। वी हैव एग्जाम्पल्स इज वेल। पढ़िए, इंग्लिश इज माई कप ऑफ टी एंड आई एंजॉय टीचिंग द लैंग्वेज अलॉट। इंग्लिश मेरा कप ऑफ टी है एंड आई एंजॉय टीचिंग द लैंग्वेज अलॉट, और मुझे पढ़ाना पसंद भी बहुत ज़्यादा है। पॉलिटिक्स मे नॉट बी हर कप ऑफ टी। आप उससे कह रहे हो टू एंटर इन टू द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, बट शी कीप्स डिनाइंग। मे बी शी डजेंट फाइंड पॉलिटिक्स हर कप ऑफ टी। हो सकता है उसको लगता हो कि राजनीति उसका फेवरेट सब्जेक्ट है ही नहीं। तो दैट वॉज द मीनिंग ऑफ चेव द सीनरी। एक नया ईडियम है, लंबे समय के बाद मैं इस ईडियम को देख रहा हूँ। सच में ये एक नया ईडियम है। एग्जाम्स में बीच बीच में कुछ नए ईडियम्स भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको तैयार रहना चाहिए। पुराने ईडियम्स को तो रिवाइज करते रहना चाहिए, बीच बीच में न्यू ईडियम्स को भी पढ़ते रहना चाहिए। चेव द सीनरी, इसका मतलब होता है जब आप बहुत ही ओवर इमोशनल हो जाए परफॉर्मेंस देते समय, वाइल परफॉर्मिंग, जब आप ओवर एक्ट करते हैं एक तरीके से। ध्यान से देखिए, ये एक सिंगर है स्टेज पर, देखिए एक सिंगर ये गा रहा है। ये नॉर्मल होकर के भी गा सकता था, लेकिन लोगों के एंथुजियाज्म को अराउज करने के लिए, लोगों को उकसाना तो नहीं कहूंगा, लोगों को मस्त करने के लिए, लोगों को अटेंटिव स्टेट में लाने के लिए, लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए, उनमें एक एनर्जी डालने के लिए, ये लग रहा ना कि जैसे ये खा जाएगा माइक को। समझ रहे हैं? कितनी तेज चिल्ला रहा, गला फाड़ करके चिल्ला रहा है, मतलब खुद भी पैशनेट है, खुद बहुत ज्यादा पैशनेट है ये दिखा रहा है, और चाहता है कि ऑडियंस भी इतनी ही पैशनेट हो जाए, झूमने लगे, उछलने लगे, कूदने लगे। दिस इज कॉल्ड टू अचीव द सीनरी। सीनरी मतलब पूरा का पूरा जो नजारा है सामने, यानी कि जो ऑडियंस है आपके सामने, और अचीव मतलब चबा गया आप एक तरीके से। तो थोड़ा सा मेटाफॉरिकल है ये ईडियम, जिसमें आप जो है
यही दिखाते हैं कि कोई बहुत इमोशनल हो जाएगा, बहुत पैशनेट हो जाएगा परफॉर्मेंस देते समय, तो वो असामान्य तरीके से रिएक्ट करना शुरू करेगा, राइट? तो ये है चीव द सीनरी। ये देखिए, ये दो रेसलर्स हैं, ये रेसलर तो आराम से खड़ा हुआ है, लेकिन इसको देखिए कैसे पैर फैला फैला के चल रहा है ना, हिज चिंग द सीनरी एक तरीके से। तो जब आप ओवरली इमोशनल हो करके एक्ट करें या पैशनेट हो जाएं जरूरत से ज्यादा, तो इट इज सेड दैट यू आर चिंग द सीनरी, समझ रहे हैं ना? तो एक्ट ओवरली इमोशनल और टू एक्ट सो पैशनेटली जिसको कह सकते हैं, द ऑडियंस लेफ्ट बोर्ड अंटिल, ऑडियंस बहुत बोरिंग सा फील कर रही थी, अंटिल वन ऑफ द आर्टिस्ट केम अप। जब एक आर्टिस्ट आया ऑन द स्टेज एंड स्टार्टेड चूइंग द सीनरी, फिर उसने चिल्लाना, उसने दम लगाना और भड़ भड़ काटना शुरू किया, ऑडियंस पूरी की पूरी मस्त हो गई, मजा लेने लगी। दिस इज कॉल्ड टू च्यू द सीनरी। आई होप ये इडियम आपको समझ में आ गया। आउट फॉर द काउंट, इसका मतलब होता है कि जब आप इतना ज्यादा थक गए हो, देखिए ये नया इडियम है मेरे हिसाब से, जब आप इतना ज्यादा थक गए हो कि इतनी गहरी नींद में चले गए हो थकने की वजह से, कि आपको कोई आवाज सुनाई ना पड़ रही हो, काउंट गिनती करना, इस इमेज को देखिए सर, ये ईडियम यहीं से आया। ये एक एरिना है, बॉक्सिंग एरिना है या रेसलिंग टाइप का, बॉक्सिंग का लग रहा है। तो क्या होता है रेसलिंग में और बॉक्सिंग में, जब लड़ाई होती है और एक प्लेयर ग्राउंड पे गिर जाता है, तो अगर वो बहुत ज्यादा चोटिल हो गया है या बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गया है, तो रेफरी क्या करता है, 10 तक काउंट करता है, बोलता है ना 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, और 1 तक गिनने पर इस प्लेयर को उठना है। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा थक गया होगा या बहुत ज्यादा चोटिल हो गया होगा, अगर ये बहुत एग्जॉस्टेड होगा या बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया होगा, तो क्या ये सुन के भी उठ पाएगा? हो सकता है इसको सुनाई ना पड़े, और अगर सुनाई भी पड़ जाए तो हिम्मत नहीं कर पाइए उठने की। तो इसका ये मतलब है, जब आप बहुत ज्यादा थक गए हों, काफी इंजर्ड हो गए हों, तो एक्टिव ना रहे हो, आप कुछ कर ना पा रहे हो, या बहुत ज्यादा नींद में चले गए हो, इन अ डीप इनसेंसिबल स्लीप, जब आप गहरी नींद में हो और आपको कुछ आहट या कोई आवाज सुनाई ना पड़े। ये देखिए एक ऑफिस है, यहाँ पर ये एक एम्प्लॉई है और ये इतना थक गए हैं कि ये सो से गए हैं, अब इनको कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा जब तक ये नींद से नहीं जागेंगे। तो आउट फॉर द काउंट, काउंट यही है सर जो मैं कर रहा था, 10, 9, 8, 7, ये काउंट। तो इसी काउंट से आप बाहर हो गए, एक तक जब तक गिना गया या 10 तक गिना गया, तब तक आप अगर आ जाते वापस तो आ जाते, लेकिन आप आए नहीं तो बाहर हो गए। तो आप इतना ज्यादा एग्जॉस्टेड हैं या इंजर्ड हैं कि आप बहुत ज्यादा नींद में चले गए हैं। टू फुट द बिल, अगला ईडियम, अभी तक आपने देखा होगा ना ईडियम नंबर 12 पे हम आ गए और मुश्किल को 2 या 3 ईडियम ऐसे मिले हैं जो नए हैं। फुट द बिल का मतलब होता है बिल भरना, जैसे कि चार दोस्त खाना खाने के लिए गए और बिल आया 2400 का, आप उठे और आपने बिल भर दिया, तो इसको कहते हैं यू आर गोइंग टू फुट द बिल, आपने बिल भरा एक तरीके से, टू मेक पेमेंट, राइट? इसको याद करने का तरीका है कि जैसे जब चार दोस्त खाना खा रहे होते हैं किसी होटल में, तो जो बंदा पहले अपना डिनर फिनिश करता है, या तो वो चालाकी करता है और अपना फोन ले लेता है और बाहर निकल जाता है ताकि उसको बिल ना भरना पड़े, या तो वही बंदा जो है दूसरे का वेट किए बगैर उठता है और जाके बिल जमा कराता है, क्योंकि उसे मालूम है कि दूसरा बंदा फिर बिल पे कर देगा, तो वो खुद उठता है और जा करके पैरों से चल करके जाता है और बिल भर देता है। तो टू फुट द बिल मीन्स टू मेक द पेमेंट। शूटिंग फिश इन अ बैरल, शूट फिश इन अ बैरल का मतलब होता है जब आपको कोई काम बड़ा ही आसान लगे। अगर आपको ये नहीं आता था तो इस एग्जाम्पल को पढ़िए, माय एल्डर ब्रदर इज सो इनोसेंट दैट, मेरे बड़े भाई साहब इतने ज्यादा सीधे हैं, दैट विनिंग एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट हिम, कि उनके खिलाफ किसी तर्क को जीतना या उनसे किसी बहस में जीतना बड़ा मुश्किल है कि बड़ा सरल है। जब कहा गया कि मेरे भाई साहब, बड़े भाई साहब बहुत सीधे साधे हैं,
तो किसी बहस में, किसी डिबेट में, किसी आर्गुमेंट में उनसे जीतना बड़ा ही सरल है। तो शूट फिश इन अ बैरल का मतलब है अ टास्क विच यू फाइंड डूइंग वेरी इजी, एक ऐसा काम जो आपको बहुत आसान लगता हो करना, एक्सेप्शनली इजी टू डू, एक काम जो बहुत सरलता से किया जा सकता। कैसे सीखेंगे सर? समझिए, अगर मछली तालाब में है, नदी में है, तो उसके पास बहुत सारा स्पेस है छिपने के लिए और भागने के लिए, निशाना लगाना वहां मुश्किल है। लेकिन अगर मछली सिर्फ एक एक्वेरियम में है, एक छोटे से बैरल में, एक छोटे से कंटेनर में है, तो वो तो वहां कितना भागेगी, कहाँ भाग के जा सकेगी, आसानी से आप उसे शूट कर सकते हैं। एक गोली से नहीं मरेगी, चार पांच गोलियां लागेंगी, कोई ना कोई तो लग ही जाएगी, क्योंकि वो बैरल के भीतर है सर, वो सिर्फ एक छोटे से एक्वेरियम के भीतर है, इसके अंदर है, कितना आसान है सर, कहाँ स्पेस है इनके बचने के लिए, इसलिए। और अगर नदी तालाब समंदर हो तो वो मुश्किल हो जाएगा उनको शूट करना, तो कोई काम जो आपको करना बड़ा ही सरल लगे। बहुत मजेदार ईडियम है लॉन्ग इन द टूथ, समझाने का तरीका अगर आपको सच में बहुत इफेक्टिव लगता है तो मुझे जरूर बताइएगा। आप कमेंट्स में स्पेशली मार्क कर सकते हैं कि सर ये पर्टिकुलर ईडियम आपने बहुत बढ़िया पढ़ा है, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। लॉन्ग इन द टूथ का मतलब होता है समबडी हु इज टू ओल्ड, एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति को कहते हैं लॉन्ग इन द टूथ। ठीक, ये आया कहां से है? ये आया है सर हॉर्स फैमिली से, आप इसे गूगल करेंगे लॉन्ग इन द टूथ को, तो ये इमेज नहीं दिखेगी सर, ये वाली नहीं दिखेगी, ये वाली दिखेगी। जब घोड़े की उम्र ज्यादा हो जाती, बूढ़ा हो जाता है, तो जो गम्स होते हैं मसूड़े, वो ना पतले हो जाते हैं और कम जगह में हो जाते हैं, जिससे उसके जो दांत हैं वो बड़े बड़े हो जाते हैं। टूथ कैसे हैं? लॉन्ग हैं। अब हम अपने आप को याद करिए, अपने घर में किसी बड़े बूढ़े को याद करिए, हमारे आपके दांत जो है नॉर्मल साइज में है, लेकिन जो लोग 60-70 साल के हैं उनके दांत देखिए सर, एक तो बहुत से दांत टूट चुके होते हैं, जो दांत होते भी हैं अगर नॉर्मल साइज दांत का इतना है तो उनका दांत इतना हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर नॉर्मल साइज इतना है तो उनका दांत इतना हो जाएगा, दांत लटक आते हैं, बोलते भी कि दांत बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, वो हिलने लगते हैं, मसूड़े जो है वो छोड़ देते हैं दांत, कम जगह में श्रिंक कर जाते हैं वो गम्स मसूड़े, तो दांत ज्यादा खुल जाते हैं। यूजुअली बुढ़ापे में ही दांत ज्यादा खुलते हैं, तभी लगता है कि दांत बड़े हो गए हैं, आया ना समझ में? तो टू ओल्ड, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम क्या, लॉन्ग इन द टूथ। टू वॉक द टाइट रोप, टाइट रोप वॉकर होते हैं, ये देखिए रस्सी है सर, टाइट रोप का मतलब ही होता है कि जब दो पोल से रस्सी को आप बहुत कस के बांध दें और फिर उसी पर चलें, ऐसे लोगों को फन एम्बुलिस्ट कहा जाता है, जो टाइट रोप वॉकर्स होते हैं उन्हें फन एम्बुलिस्ट कहा जाता है। अब आप बताइए सर, टाइट रोप पे चलना इतना सरल है कि बहुत कठिन है? हाँ कठिन है ना, उस काम को करने के लिए आपको बहुत अलर्ट रहना होगा, बहुत बहुत ज्यादा एक्टिव रहना होगा, बहुत ध्यान से चलोगे, बैलेंस को बना के रखोगे वरना गिर जाओगे, एक्सपर्ट नहीं होगा सर। टू वॉक ऑन टाइट रोप का ये मतलब होता है कि आप बहुत कॉशस हो करके चल रहे हैं, ठीक, बहुत सतर्कता के साथ। सर जो टाइट रोप पे चलता है कोई बच्चा या बच्ची, तो ठीक है वो एक्सपर्ट होता है, गिरते नहीं है वो सब, लेकिन क्या बहुत तेज चलते हैं क्या? वो चलते तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता, धीमे धीमे, ये देखिए ऐसा एक पिलर या बांस जैसा, लकड़ी जैसा भी लेके चलते हैं, उससे बैलेंस बना के रखते हैं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे वो उस पर चल रहे होते हैं, तो बहुत ही कॉशियस होकर के, बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ते, नर्वस नहीं। इडियम है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इसका मतलब होता है तुरंत, उसी क्षण, विदाउट डिले, इंस्टेंटली, इसका मीनिंग होता है तुरंत, बहुत ही प्रॉम्प्ट तरीके से जब किसी काम को किया जाए, प्रॉम्प्टली, तुरंत, उसको कहते हैं एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। ये आया कहां से है? मेरी जानकारी के मुताबिक ये रेस से आया है, ये चार लड़के जो हैं ये बिल्कुल दौड़ने की पोजीशन में है ना, ये किस चीज का वेट कर रहे हैं? ये बस वेट कर रहे हैं उस सिग्नल का जो इन्हें मिलेगा और ये दौड़ना शुरू कर देंगे। देखिए सिग्नल देने के तमाम तरीके होते हैं, एक तरीका एक रुमाल से हो सकता है कि एक रुमाल पकड़ के रखा गया, फिर उस रुमाल को छोड़ दिया गया,
एक तरीका एक बेल वाला हो सकता है, सायरन जिसको कह सकते हैं, भोंपू पकड़ा हुआ किसी ने, वो भोंपू बजा दिया तुरंत आवाज मिली दौड़े। एक तरीका होता है कि बुलेट फायर करी इन द एयर, हवा में गोली दागी तो उसकी आवाज से भागे। इन्हीं में से एक तरीका हैट वाला भी हो सकता है। इसकी हिस्ट्री यही कहती है कि ऐसा भी होता था कि जब 10 लोग दौड़ने जा रहे हैं तो एक व्यक्ति जो उस दौड़ को शुरू करवाएगा वो अपने हाथ में एक हैट पकड़े रहेगा, वो अपने हाथ में एक हैट पकड़े रहेगा और सभी उसी हैट को देख रहे होंगे। फिर थोड़ी देर बाद वो उस हैट को ड्रॉप कर देगा, हैट को जमीन पे ड्रॉप कर देगा, छोड़ देगा। और जैसे ही वो हैट को ड्रॉप करेगा तुरंत ये जो रेसर्स हैं, जो रनर्स हैं, ये दौड़ना शुरू कर देंगे। तो एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मीनिंग समझ में आया ना, कि जैसे ही हैट को ड्रॉप किया गया वैसे ही एक्शन स्टार्ट। फेदर इन योर कैप, ये है ईडियम नंबर 20। फेदर इन योर कैप का मतलब होता है अ रीजन टू चीयर, खुशी का कारण। हिंदी में इसको कहते हैं सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा, एडिशनल सक्सेस। देखो सर, ये जो कैप है, ये कैप ही आपके लिए आपका अचीवमेंट है, सम्मान है, रिस्पेक्ट है, आपकी ग्रोथ है, आपने इसे गेन किया, ये आपका मुकुट है, आपकी बहादुरी का प्रमाण है, ठीक। और आपके लिए आपको गुरूर भी है। फिर एक फेदर इसी कैप में और ऐड हो जाता है, तो ये कैप अभी सोने जैसे लग रही थी, अब इसी सोने पे सुहागा हो गया, मतलब अभी ये सुंदर लग रही थी, अब ये और ज्यादा सुंदर लग रही है। तो इसका मीनिंग होता है ना एडिशनल सक्सेस, एक तरीके अतिरिक्त सफलता। कैप तो सक्सेस है और इसी पे जब ये फेदर लग गया तो और ज्यादा अच्छा लगने लगा। ये देखिए, ये एक सोल्जर है, ठीक, और ये देखिए कैप फेदर लग गया, ये इसको और अच्छा लगेगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं, किसी चीज की सजावट को और ज्यादा बढ़ा देना, किसी चीज की अच्छाई को और ज्यादा बढ़ा देना, कुछ और बेहतर करना, राइट। सो एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, ये इसका मीनिंग है। टू फील वेल एंड हेल्दी नहीं, मतलब आप तंदुरुस्त, ये नहीं। एक्सप्रेशन ऑफ एक्सट्रीम अनॉयंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा होना, ये भी इसका मीनिंग नहीं है। टेक एडवांटेज ऑफ वंस पोजिशन, ये भी इसका मीनिंग नहीं है कि आप अपने पद का फायदा उठा रहे हो, नहीं। इसका मतलब है कि कुछ ग्रोथ, कोई सक्सेस जिस पर आपको गर्व होगा, राइट। और बेहतर होता है कि ये ना लिखा होता, कुछ ये लिखा होता। एड ऑन, एड ऑन जिसको कह सकते हैं। इग्नोरेंस इज ब्लिस, ये इडियम नहीं है सर, इट इज अ प्रोवर्ब। इसका दूसरा वर्जन भी है और वो है इग्नोरेंस इज द बेस्ट मेडिसिन। इग्नोरेंस इज द बेस्ट मेडिसिन या इग्नोरेंस इज ब्लिस। ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस। बोलते हैं अरे यार छोड़ो, इग्नोर करो, कभी कभी इग्नोर करना चाहिए। क्या क्यों क्या सोच के कहा जाता है कि कभी कभी इग्नोर कर देना चाहिए? इग्नोर करो मतलब, क्योंकि अगर आप इग्नोर नहीं करोगे, उसमें पड़ोगे तो आपके लिए एक हेडेक हो जाएगा, टेंशन हो जाएगी, झेलना हो जाएगा। और अगर आप इग्नोर कर दोगे, छोड़ो यार जो कर रहे हैं करने, तो हमको क्या करना है, इग्नोर करो, सुन रहे हैं ना। तो कभी कभी क्या होता है ना कि किसी मामले में ना पढ़ना ज्यादा बेहतर होता है। जैसे कोई आपको उकसा रहा है लगातार, उकसा रहा है लगातार, तो एक होता है ना कि वो तो डेलिबरेटली आपको उकसा रहा ही, लड़ाई करने के, झगड़ा करने के लिए। तो अगर आपने उसे इग्नोर कर दिया तो वो इग्नोरेंस इज ब्लेस हो जाएगी, और वो चाह के भी आपसे उलझ नहीं पाएगा, झगड़ा नहीं कर पाएगा। इग्नोरेंस इज अ ब्लेस, समझ रहे हैं ना। तो इसका मीनिंग हो जाएगा टू रिमेन इग्नोरेंट ऑफ थिंग्स दैट मे कॉज स्ट्रेस। मैं कह रहा हूं ना, वैसे तो इग्नोरेंट होना अच्छी बात नहीं, लेकिन उन चीजों के प्रति इग्नोरेंट होना ठीक होता है जो आपको परेशान कर सकती है। तो जहां पर ध्यान देने से आप परेशान हो सकते हैं, देयर इग्नोरेंस इज ब्लिस। चेज रेनबोज, रेनबोज बोलते इंद्रधनुष को। सर सच बात तो यह है कि इंद्रधनुष नाम की कोई चीज होती नहीं है, वो तो सिर्फ कलर्स का रिफ्लेक्शन है। आप सबने साइंस में पढ़ा होगा, तभी वो थोड़ी देर के लिए दिखता है फिर बंद गायब हो जाता है। आप उसी रेनबो का पीछा कर रहे हैं तो रेनबो मिलेगा सर। पहली बात, अगर कोई चीज असली में हो तो मिल सकती है। श्री राम जो है उस हिरण के पीछे गए थे जो सीता जी ने देखा, तो कब मिल गया था, असली में हो तो मिल जाए। तो आप रेनबोज के पीछे भाग रहे, रेनबोज हो तो मिल जाए, और
और एक बोस के आपके 10 कदम आगे वो तो आसमान में है, कैसे मिल जाएगा? जैसे क्राई फॉर द मून होता है, वैसे चेज रेनबोज होता है। ऐसी चीज की डिमांड करना जो अनरियलिस्टिक है, परस्यू करना अनरियलिस्टिक गोल्स को। ही इज फोमिंग एट द माउथ, बहुत ज्यादा गुस्से में होना, ये इसका मीनिंग है। फोम बोलते हैं झाग को, ये ना डॉग्स से आया है, कुत्तों से आया है। कुत्ते जब बहुत गुस्से में होते हैं, स्पेशली जो हाउंड्स होते हैं, जो बिग ब्रीड होते हैं, जो हेवी ब्रीड वाले कुत्ते होते हैं, जब बहुत अग्रेसिव होते हैं, बहुत अग्रेशन में होते हैं, तो उनका जो जबड़ा होता है ना, जो उनका मुंह होता है, ये देखिए, उसके आसपास सब व्हाइट कलर का फोम जमा हो जाता है, गिरने भी लगता है, ये देखिए टपक रहा है। तो ये नहीं दिखाता कि ये बहुत ज्यादा खुश है, उल्टा ये दिखाता है ये बहुत ज्यादा एंग्री है, बहुत ज्यादा एंग्री है। हाँ, बहुत ज्यादा जब गुस्से में डॉग होता है या कोई और जानवर भी बहुत ज्यादा अगर गुस्से में हो, तो फिर उसके मुंह से झाग जैसा दिखता है। तो फोमिंग एट माउथ का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा होना, टू बी इनरेज्ड एंड शो इट। इनरेज्ड का मतलब ही होता है एंग्री, गुस्से में होना और उस गुस्से को दिखाना, एक तरीके से अपसेट ना होना, बहुत ज्यादा गुस्से में होना। बैक ऑन वन्स फीट, बैक ऑन वन्स फीट, इस idiom का क्या मीनिंग है? इस idiom का मीनिंग है कि वापस अपने पैरों पे खड़ा होना। वन्स फीट, अपने पैर, बैक ऑन, फिर से वापस अपने पैरों पे आ गए। ऑन वन्स फीट मतलब अपने पैरों पे, बैक ऑन वन्स फीट मतलब वापस अपने पैरों पे आ गए। यानी कि आप किसी बिजनेस में बहुत लॉस में गए थे, फिर आपने एफर्ट्स लगाए, एंड यू आर अगेन बैक ऑन योर, एंड यू आर बैक ऑन योर फीट। तो फिर से जब चीजें स्टेबलाइज कर जाए, फिर से आप ग्रो करने लगे, फिर से चीजें बेहतर हो जाए, तरीके से वेल और सक्सेसफुल अगेन। जैसे किसी को लेग इंजरी हो गई, प्लास्टर चढ़ गया, तब वो चल नहीं पा रहा है, लेकिन महीने डेढ़ महीने के बाद फिर से वो चलने लगेगा। आई एम बैक ऑन माई फीट, मैं फिर से चलने लगा, मैं फिर से ठीक हो गया, मैं फिर से सक्सेसफुल हो गया। टेक समथिंग विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इस ग्रेन की जगह कभी कभी पिंच भी आता है। Take something with a pinch of salt. बार बार ये idioms पूछे जा रहे हैं सर एग्जाम्स में, बार बार पूछे जा रहे हैं। मैं कितना बताऊं कि अभी पिछले सेट में कराया मैंने इसको। Take with a pinch of salt का मतलब होता है जब किसी बात को पूरी तरीके से एक जैसा ना मानना, थोड़ा बहुत उसमें दूसरा रंग भी डाल देना, मतलब मीठे के साथ नमकीन भी कर देना। बोलते नहीं कि ज्यादा मिठाई में ही तो चींटा लगते हैं, तो अगर उसमें हल्का सा ग्रेन ऑफ सॉल्ट हो गया, मुट्ठी भर या चुटकी भर नमक होगा, तो फिर चींटे नहीं लगेंगे। तो मतलब किसी चीज को पूरी तरीके से ठीक है ये ना मान लेना, ये पॉसिबिलिटी, ये बात दिमाग में रखना कि हो सकता है ये बंदा मिसलीड कर रहा हो। जैसे कि आपको किसी कोई रास्ता नहीं मालूम है, तो आपने किसी पासर भाई से गाड़ी रोक करके पूछा कि भाई साहब मुझे अलीगंज जाना है, रास्ता बताइए। तो उसने कहा कि आप लेफ्ट टर्न लेकर के जाइए। आप लेफ्ट टर्न लेते, थोड़ा आगे चल के आपको लगता है यार एक व्यक्ति से और पूछ ले, एक से पहले दो, हो सकता है उस व्यक्ति को भी कंफ्यूजन हो, ना मालूम हो, या हो सकता हो मजे ले रहा हो, तो आप दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं। इसका मतलब है आपने पिछले व्यक्ति की जो बात थी, यू टुक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, पूरी तरीके से जब आपने विश्वास नहीं किया, तो एक्सेप्ट होल हार्टेडली नहीं, टेक समथिंग सीरियसली नहीं, टोटल डिसबिलीव भी नहीं कि बिल्कुल नहीं मानोगे, बिलीव करोगे विद सम स्केप्टिसिज्म, थोड़ा बहुत संशय के साथ आप चीजों पे भरोसा करोगे, थोड़े बहुत संशय के साथ। ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ ब्लू का मतलब स्काई से है, आसमान का रंग नीला होता है। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है कि जैसे आसमान बिल्कुल साफ है और फिर एकदम से कुछ गिर गया आपके सिर पे, गिरा करके आपने कहा अरे ये कहां से गिरा, ऊपर दिख तो कुछ रहा नहीं था, सब तो साफ साफ था, ये कहां से आ गया। तो मतलब कोई चीज आसमान के बाहर से आ गई है आपके पास, आसमान के उस तरफ से इधर गिरी है आपके। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे कि बारिश का मौसम ना हो, बादल ना हो और बारिश होने लगे, तो क्या है वो? अनएक्सपेक्टेड है, सडनली है और आपने उसको उम्मीद नहीं। इसी से मिलता जुलता एक आइडिया में बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब भी होता है कोई चीज जो सडन हो और अनएक्सपेक्टेड तरीके से हो रही है। आउट ऑफ द ब्लू का यही मतलब है कि कोई चीज आसमान के बाहर से आकर के गिरी है, तो आपने उसको एक्सपेक्ट तो किया नहीं था क्योंकि आपको वो दिख ही नहीं रहा था, एकदम से कोई कहीं से आ गया, अरे तुम कहां से आ गए, तुम तो थे ही नहीं, एकदम से कहां से थे, टपक पड़े। बोल स्प्रिंग चिकन, मैंने इसके कलर को ब्लू कर रखा है सिर्फ ये दिखाने के लिए
कि ये कम पूछा जाने वाला ईडियम है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, ताकि आप यूँ समझ सकें ये एक न्यू ईडियम हो सकता है। ऐसा तो बोलना मुश्किल है कि ये कभी आया ही नहीं एग्ज़ाम्स में, बिल्कुल आया है, लेकिन कंपेरेटिवली काम आया है, तो एक तरीके से आप इसे न्यू कह सकते हैं। नो स्प्रिंग चिकन का मतलब है अ पर्सन हु इज नो लॉन्गर यंग, एक व्यक्ति जो बूढ़ा हो चुका है, या फिर एक व्यक्ति जो यंग नहीं है। आप एक्चुअली स्प्रिंग चिकन का मतलब होता है यंग चिकन, तो जब स्प्रिंग चिकन का मतलब है यंग, तो नो स्प्रिंग चिकन का मतलब है somebody who is not young, ये इसका मीनिंग हो जाएगा, राइट? हाँ, स्प्रिंग चिकन, चिकन स्प्रिंग रोल आपने देखा होगा, खाया भी होगा अगर आप नॉन वेजिटेरियन होंगे। तो जो चिकन स्प्रिंग रोल है, क्या उसमें आपको बासी चिकन मिलेगा या फिर कोई बूढ़ा चिकन मिलेगा? नहीं सर, वो फ्रेश होगा, साथ ही साथ यंग चिकन होगा वो। तो नो स्प्रिंग चिकन का मतलब है somebody who is no longer young। कई बार ये मजाक के तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कोई किसी से कहे कम ऑन ड्रेस लाइक वुमेन, कम ऑन ड्रेस लाइक एन ओल्ड लेडी, यू आर नो लॉन्गर अ स्प्रिंग चिकन, यू आर नो मोर अ स्प्रिंग चिकन, बूढ़े हो गए हो तुम, बूढ़ों के जैसे कपड़े पहना करो, अब तुम स्प्रिंग चिकन नहीं रहे यार। मूव द गोल पोस्ट, सर गोल पोस्ट इसको कहते हैं, वो जो गोल की जगह होती है उसी को गोल पोस्ट कहते हैं, राइट? एक सर्टेन पोजीशन पे ये गोल पोस्ट होता है। अब ये ईडियम कहा जा रहा है मूव द गोल पोस्ट, यानी कि गोल पोस्ट को मूव किया गया। ये नीचे की इमेज देखिए, यहाँ पे कुछ प्लेयर्स इसी गोल पोस्ट को उठा रहे हैं और उठा करके कहीं और लेकर जा रहे हैं, है ना? तो इसका ये मतलब होता है कि ये इसे थोड़ा सा दूर लेकर के जाएंगे, थोड़ा सा दूर लेके जाएंगे। इसमें इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि अगर ये गोल पोस्ट जो है 50 मीटर्स की दूरी पर है, तो जब इसे मूव करेंगे तो इसे 70 मीटर्स कर देंगे, यानी कि चीजें आप चैलेंजिंग हो जाएंगी, किसी भी प्रोसेस को थोड़ा सा पहले के कंपैरिजन में टफ बना देना, इसको कहते हैं हम क्या, मूव द गोल पोस्ट। क्या कहते हैं सर? मूव द गोल पोस्ट। आ रहा ना समझ में? इसको देखिए, ये होगा unfairly alter the conditions or rules of a procedure during its course। कोई भी काम चल रहा है, कोई भी गेम ऑन है, उस बीच में उसकी conditions को या rules को alter कर देना, और ये unfairly है। Move the goal post एक positive idiom नहीं है, negative है। ये इसलिए कर दिया जाता है कि सामने वाले के लिए ये चीज़ पहले की तुलना में कठिन हो जाए। आपने अपने टाइम पे जो बाउंड्री रखी वो 50 मीटर्स की रखी, और दूसरे के टाइम पे वो बाउंड्री आपने 70 मीटर्स की कर दी। तो मूव द गोल पोस्ट का ये मतलब है, मतलब किसी प्रोसेस को कंपेरेटिवली और चैलेंजिंग बना देना। हिट द नेल ऑन द हेड, नेल बोलते हैं सर नाखून के साथ साथ कील को, ये कील है, इसको नेल कहते हैं। कील बेसिकली ऐसे होती है, और ये उसका हेड होता है, मत्था जिसको कहते हैं, ठीक। जब कील को किसी सरफेस में ठोकना हो तो यहाँ हिट करना चाहिए, यहाँ करना चाहिए, यहाँ करना चाहिए, यहाँ करना चाहिए, या इस मत्थे के बिल्कुल सेंटर पे हिट करना चाहिए, सेंटर पे ना, या मत्थे पर हिट करना चाहिए ना। तो ये देखिए, एक हथौड़े से कील के मत्थे पे प्रहार किया जा रहा है, यानी कि किसी कार्य को सही तरीके से करना, ऐसे करना कि आपको मैक्सिमम गेन मिलेगा, ऐसे करना कि आपको मैक्सिमम एडवांटेज मिलेगा, किसी कार्य को बिल्कुल सही तरीके से करना, टू बी एग्जैक्टली राइट अबाउट समथिंग। हार्ड वर्किंग इसका मीनिंग नहीं होता कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना, इसका मतलब होता है किसी कार्य को सही तरीके से करना, राइट? कील को ठोकने के लिए बहुत अधिक दम की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि तरीके की ज़रूरत होती है। अगर आप कील को उसके मत्थे पे ही मारेंगे तो ज़रूर वो सरफेस के अंदर जाएगी, ज़्यादा प्रयास किए बगैर। तो परफॉर्म अ टास्क इन द राइट फेस, सही तरीके से किसी काम को करना। फ्लॉग अ डेड हॉर्स, फ्लॉग का मतलब होता है पीटना, बीट करना, इसीलिए कभी कभी बीट अ डेड हॉर्स भी हो जाता है। फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है अपने एफर्ट्स को जाया करना। देखिए, ये एक एक चाबुक जैसा है, हंटर है, और ये जो उसको मार रहा है, ये फ्लॉगिंग इसी को कहते हैं, पीटना। सर घोड़े को पीटा जाता है, फ्लॉग किया जाता है, तभी तो उसकी रफ्तार बढ़ती है, हाँ, उसकी लगाम को खींचा भी जाता है, चाबुक से उसे मारा भी जाता है, ताकि वो तेज दौड़े या आपके इशारे पर दौड़े।
लेकिन आप किसी डेड हॉर्स को फ्लॉक कर रहे हैं, तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अगर आप मरे हुए घोड़े को मारेंगे तो आपकी मार से वो जिंदा तो नहीं हो जाएगा ना। यानी कि आप अपने एफर्ट्स को वेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? वेस्ट कर रहे हैं। स्टॉप वेस्टिंग योर एफर्ट्स एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर करियर, राइट? तो अपने एफर्ट्स को, अपने टाइम को, अपने रिसोर्सेस को वेस्ट। हाफ अ मिलियन डॉलर्स इज ओनली अ ड्रॉप इन द बकेट। कहते नहीं, ऊंट के मुंह में जीरा, मतलब चाहिए आपको बहुत ज्यादा और जो चीजें आपको दी जा रही हैं वो कंपेरेटिवली बहुत कम हो। आपको 100% चीजें चाहिए, 1% दिया जा रहा है, 100 हिस्सा चाहिए, 1 हिस्सा दिया जा रहा है ना। बकेट की जगह कभी कभी यहाँ ओशियन भी हो जाता है। तो ऊंट के मुंह में जीरा, ओशियन में या बकेट में, एक बाल्टी की, एक बाल्टी में या एक समंदर में एक ड्रॉप की क्या वैल्यू? तो जहां बहुत कुछ चाहिए वहां छोटा। हालांकि ये भी कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है, लेकिन ड्रॉप इन दी ओशियन या ड्रॉप इन द बकेट का मतलब होता है बड़ी जगह पर छोटी सी चीज, मतलब रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा की हो और अवेलेबिलिटी बहुत कम की हो। अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और होल, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और होल। गट फीलिंग, गट फीलिंग का मतलब होता है मन की आवाज। एक सीरियल भी आता था, मन की आवाज प्रतिज्ञा। गट फीलिंग, गट पेट को कहते, तो आपके पेट से एक आवाज आ रही है, आपके दिमाग से, मन से एक आवाज आ रही है। ये देखिए, इस इमेज को देखिए, एरो बना हुआ है इस तरफ, मतलब जाना आपको इस एरो के मुताबिक इधर है, पर आपकी जो गट फीलिंग है, ये जो दिमाग आपका कह रहा है, वो कह रहा है यार इस तरफ जाना है। तो दिमाग आपसे देखिए क्या कह रहा है, ये देखिए यहाँ भूपुल बना हुआ है, वो आपसे कह रहा है नहीं, यू शुड प्रोसीड टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन। तो एरो इस तरफ का है और आपकी गट फीलिंग कह रही है इस तरफ, मतलब आपके अंदर से जो आवाज आ रही, जो आपका इंस्टिंक्ट है, जो इंट्यूशन है आपका, उसी को हम कहते हैं क्या? गट फीलिंग। मतलब आपको मन से जो लग रहा हो वो गट फीलिंग है, और कई बार जो आपके मन से लग रहा होगा वो सही भी होगा, और अक्सर जो सामने से दिख रहा होगा उसका ऑपोजिट। गो द एक्स्ट्रा माइल, पॉजिटिव ईडियम है, अच्छा ईडियम है। इसका मतलब होता है कि जैसे आपको अपने लक्ष्य को पाना है, तो आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप तैयार हैं टू गो द एक्स्ट्रा माइल, मतलब अगर और ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे तो आप वो भी एफर्ट्स करेंगे। अगर 7-8 घंटे पढ़ने से बात नहीं बनेगी तो आई एम रेडी टू गो द एक्स्ट्रा माइल। आप बताइए, मैं 10 घंटे 12 घंटे पढ़ूंगा, तो गो द एक्स्ट्रा माइल, मतलब कुछ हासिल करने के लिए अगर 10 मील की दूरी पर वो कुआं नहीं मिल रहा है तो ठीक है, मैं 1 मील और चलूंगा, मुझे कुएं तक जरूर पहुंचना है। माइल मतलब दूरी ना। तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने एम, अपनी डेस्टिनेशन को पाने के लिए जो आपके एक्स्ट्रा में एफर्ट्स हो सकते हैं, वो गोइंग अबव एंड बियॉन्ड वट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर द टास्क एट हैंड, किसी भी चीज को हासिल करने के लिए कुछ अलग से जो चाहिए हो, अलग से जो करना पड़े, वो भी आप करेंगे। अ पाइप ड्रीम, चलता फिरता ईडियम है, बहुत दफा पूछा गया। पाइप ड्रीम का मतलब होता है कोरी कल्पना, बेकार के आइडियाज, बेकार के प्लान जो अभी बन रहे हैं थोड़ी देर बाद छूट जाएंगे, एंड इल्यूजनरी प्लान पाइप ड्रीम को कहते हैं। ये देखिए सर, अब ध्यान से देखिए, ये नशा किया जा रहा है, ये देखिए हुक्का टाइप से, इसी को पाइप कहते हैं। जो सिगरेट होती वो एक पाइप के फॉर्म में होती ना, हुक्का जो होता है उसको पाइप कहते हैं। सर आप जब सिगरेट पी रहे होते हैं, या मानिए जब कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा होता है या हुक्का पी रहा होता, तो वो उस टाइम में ना एक नशा कर रहा होता, और नशे में आदमी बहुत सारी योजनाएं बनाता है, नशे में आदमी बहुत सारी योजनाएं बनाता है, पर जब नशा उसका उतरता है तो वो सारी योजनाओं को भूल जाता है। नशे में आदमी जो है ना ऐसे, ये देखिए ना, सिगरेट पी रहा हो, ये देखिए धुआं जा रहा है ऐसे ऐसे, इस बीच में बहुत कुछ सोच रहा होगा कि ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब थोड़ी देर बाद नशा उतरेगा तो भूल जाएगा आदमी कि मैंने कुछ सोचा भी था। तो एक ऐसे आइडियाज जो अनरियल है, समझ रहे हैं ना, हाँ, उन पे आप सच में काम करेंगे नहीं, उसको रियलिस्टिक ड्रीम नहीं है सर, इल्यूजरी ड्रीम है सर। देखिए, ऑल ग्रीक टू मी, कभी कभी यहाँ ग्रीक की जगह लेटिन आ जाता है, या कभी कभी ऑल ग्रीक एंड लेटिन टू मी,
सर हम आपको इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, क्या ग्रीक या लेटिन भाषा हमें आती है? इसका मतलब होता है जब कोई चीज़ आपको समझ में ना आ रही हो, अगर लेटिन में कुछ लिखा होगा या ग्रीक में कुछ लिखा होगा, तो क्या वो आपके लिए कॉम्प्रेहेंसिबल होगा? क्या आप उसे कॉम्प्रेहेंड कर सकेंगे, समझ सकेंगे? नहीं। तो इफ समथिंग इज ऑल ग्रीक टू यू, या इफ समथिंग इज ऑल लेटिन टू यू, या इफ समथिंग इज ऑल लेटिन एंड ग्रीक टू यू, तो इसका मतलब है वो इनकॉम्प्रिहेंसिबल है आपके लिए, आपके समझ से वो बाहर है। गेट कोल्ड फीट, फीट मतलब पैर, पैर से आप चलते हैं, कभी कभी आपके पैर अकड़ जाते हैं, बहुत जब डर होता है तो आपके पैर आगे नहीं बढ़ते हैं। सर ठंडियों में हाथ पैर काम नहीं करते ना। सिमिलरली जब आप बहुत नर्वस होते हैं, घबराए हुए होते हैं, डरे हुए होते हैं, तो फिर आपके हाथ पैर जाम हो जाते हैं, अकड़ से जाते हैं, वो चलते नहीं हैं। तो बहुत डरा होना, घबराया होना, नर्वस होना, जिसके चलते ये देखिए ना, ये बच्चा एक ही जगह पे बैठा हुआ है, ये देखिए ये बर्फ जैसा कुछ है, तो वो एक तरीके से जम गए हैं, बर्फ में चीजें जम जाती हैं ना, तो उसके पैर भी जम से गए हैं, वो चल ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा नर्वस है या फ्राइटेंड है, एक तरीके से डरा हुआ, घबराया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3, ब्लेज द ट्रेल। ट्रेल का मतलब एक रास्ता होता है, एक ऐसा रास्ता जो संकरा हो सकता है, खतरों से भरा हो सकता है, या जहां पर कोई जा नहीं रहा, तो आप जाएंगे एक तरीके से उस रास्ते पे। ये देखिए जंगल से होते हुए एक रास्ता, कोई नहीं जा रहा है, अब इस देखिए इस सुनसान रास्ते पे ये जा रहा है। तो जब आप एक नए काम की शुरुआत करते हैं और आपके पीछे फिर दुनिया चलती है, यू आर अ ट्रेल ब्लेजर, ये भी कहते हैं ट्रेल ब्लेजर, समझ रहे हैं ना? ब्लेज द ट्रेल मतलब एक नए काम की शुरुआत करना जिसको किसी ने किया नहीं, लेकिन हाँ दुनिया करेगी आपके पीछे, अब दुनिया उस काम को करेगी। तो यू आर अ ट्रेल ब्लेजर, यू आर अ ट्रेल ब्लेजर। तो कौन सा हो जाएगा? स्टार्ट अ मूवमेंट, मूवमेंट मतलब क्रांति, क्रांति की शुरुआत करना जिसको कह सकते हैं, क्रांति ना, गांधी जी जैसे लोग ट्रेल ब्लेजर्स थे, नए काम को शुरू किया, नमक आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, तो वो ऐसे काम किए। अब नमक आंदोलन कोई सोचेगा, लेकिन दुनिया उसी के पीछे चली बाद में। तो ट्रेल ब्लेजर होना या ब्लेज द ट्रेल, इसी को कहते हैं। अब बुल इन चाइना शॉप, जरा इस इमेज को देखिए, ये एक शॉप है, इस शॉप में जितने भी आइटम्स हैं, कप प्लेट्स देख रहे हैं, और ये सब के सब बोन चाइना है, या यूं कहिए मतलब मिट्टी के हैं, चीनी मिट्टी जिसको कहते हैं उसके। अब आप बताइए सर, इन चीज़ों को उठाने के लिए, रखने के लिए बहुत समझदार होना ज़रूरी है, बहुत आहिस्ता से, हाँ बहुत ही डेलिकेट तरीके से आप अगर इनको छुएंगे उठाएंगे तब तो ये ठीक है, वरना सब टूट जाएंगे। और इस चाइना शॉप में आ कौन गया एक बोल, ये क्या करेगा सर, इसको तमीज है क्या, कैसे इसको उठाना है, कैसे रखना? वो जिधर पैर लगाएगा, मुंह लगाएगा, ऐसे ऐसे सींगों से करेगा, सब तहस नहस हो जाएगा। तो बुल इन चाइना शॉप का मतलब होता है एक ऐसी परिस्थिति जहां पर चीजों को मैनेज करने के लिए एक बहुत समझदार या सुलझे हुए व्यक्ति की जरूरत हो, और ऐसे में एक नादान व्यक्ति, एक गैर समझदार व्यक्ति वहां पर हो, तो वो चीजों को बनाने के बजाय क्या करेगा, बिगाड़ देगा। बुल इन चाइना शॉप, जैसे कि वर्कर्स जब प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, तो मैनेजमेंट चाहता है कि एक ऐसा मीडिएटर जाए जो उनको समझा भी ले जाए और हमें कोई लॉस भी ना हो, ऐसे को नहीं भेजता मैनेजमेंट जो बहुत अग्रेसिव, वो लड़ के चला है, बुल इन चाइना शॉप नहीं भेजा जाता। तो बुल इन चाइना शॉप एक ऐसा व्यक्ति है जिसको एक विषम परिस्थिति में, या एक डेलिकेट सिचुएशन में, जहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के कदम बढ़ाना है, आगे चलना है, अपनी बात कहनी है, ऐसी जगह पर एक एक बेवकूफ़ टाइप का आदमी जिसको तमीज़ ना हो किसी काम को करने की, उसको भेज दिया गया। अ क्लम्सी पर्सन इन अ डेलिकेट सिचुएशन, क्लम्सी मतलब बेकार का आदमी, बेढंगा आदमी एक डेलिकेट सिचुएशन में पहुंच जाए। बरी द हैचेट, सर बरी का मतलब होता है जमीन में गड्ढा खोद के दफन करना, ये देखिए गड्ढा खोदा जा रहा है, ये देखिए, और ये देखिए, हैचेट बोलते हैं खंजर को, ये कुल्हाड़ी को हैचेट कहते हैं। इसका मतलब होता है खंजर को जमीन में दफना देना और फिर से दोस्त हो जाना, ये देखिए गिले शिकवे भुला करके फिर से
फ्रेंड्स हो जाना, डिस्प्यूट्स को सेटल कर लेना। डिस्प्यूट्स मतलब मनमुटाव जिसको कह सकते हैं, और उसे अगर सेटल आप कर रहे हैं मतलब चीज़ों को सेटल करने का मतलब ही होता है उनको सुलझा लेना, तो मनमुटाव जो है, लड़ाई झगड़ा जो है, उसे सुलझा लेना, बरी द हैचेट का ये मीनिंग हो जाएगा। ठीक, क्योंकि कैसे हुआ, इस कुल्हाड़ी से ही हमला किया जाता, मारपीट की जाती, वही कुल्हाड़ी जमीन में फेंक दी गई या जमीन में गड्ढा खोदी गाड़ दी गई, अब कैसा झगड़ा होगा, अब तो फिर से फ्रेंड्स हो जाएंगे ना। गर्ड अप ए लॉयंस, ध्यान से देखिएगा सर, इस लॉयन की स्पेलिंग जो है LION वाली नहीं है सर, इसकी स्पेलिंग जो है वो LION वाली नहीं है सर, सुन रहे हैं ना, ये लॉयंस दूसरा वाला हिस्सा है, मतलब दूसरा वर्ड है। सोचिए क्या हो सकता है इसका मीनिंग। देखिए सर, गर्ड अप योर लॉयन, इसको समझिए, किसी डेंजरस सिचुएशन को फेस करने के लिए अपने आप को तैयार करना, टू प्रिपेयर वन सेल्फ फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ये इसका मीनिंग है। इसमें ध्यान से देखिए, एक महिला है जिसने फुल कॉस्ट्यूम पहन रखा, यहाँ पर वो उसी कॉस्ट्यूम को नीचे से ऊपर उठा रही है, ये देखिए इसने और ऊपर उठाया, ऊपर उठा करके उसने उसको लुंगी के जैसे कमर में कस लिया, बांध लिया, और ये देखिए उसने तलवार उठा ली, यहाँ पर कमर कसना इसको कहते हैं। देखिए लॉयंस का मतलब होता है जो ये जो वेस्ट का नीचे का एरिया होता है, ये हिस्सा यहाँ भी देखिए, ये हिस्से को आप लॉयन बोलते हैं, और गर्ड अप का मतलब होता है बेल्ट टाइप से ऐसे गोल गोल घेरा खींचना। तो क्या होता है ना, जैसे कि लोग लुंगी पहनते हैं, लुंगी आप जानते ही हैं, तो जब उन्हें कोई काम करना होता है हाँ, तो वो उस लुंगी को जो है ऊपर उठा करके कमर से दोहरा करके बांध लेते हैं, ऐसा करके अगर उन्हें छलांग लगानी तो वो छलांग लगा सकेंगे, लात चलानी चला सकेंगे, मारपीट करनी कोई भी काम उनको करना होगा तो वो कर सकेंगे, आप समझ रहे हैं। हाँ, आप जैसे ट्राउजर्स ही पहनते तो कभी कभी उसको समेटते नहीं है, क्योंकि समेटने से आप कंफर्टेबल हो सकते हैं, आप ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते, ज़्यादा लंबा छलांग लगा सकते, तो एक तरीके से अपने आप को तैयार करना। ये देखिए इधर भी उसमें एक महिला थी, इसमें एक पुरुष है, ऐसे है, फिर उसने देखिए इसको समेटा, अब ये देखिए बांध रहा है, ये देखिए पीछे की तरफ बांध रहा है, ये देखिए लपेट रहा है इसको, और ये देखिए इसने तलवार यहाँ उठा ली। तो इसका मतलब है अपने आप को किसी विषम परिस्थिति के लिए तैयार करना। द लास्ट स्ट्रॉ, ये नया एडियम है सर, मैंने तो इसे पहली बार देखा है। द लास्ट स्ट्रॉ का मतलब है कि एक गुलाम अली साहब की फेमस गजल है कि इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा। लास्ट स्ट्रॉ, कभी कभी क्या होता है, ये देखिए बोझ है, ये स्ट्रॉ लकड़ी को कहते हैं, बोझ है, कभी कभी क्या होता है कि बोझ, जैसे आप हैं, आपके ऊपर एक बोझ लादा गया, फिर एक और लादा गया, फिर एक और लादा गया, फिर लादा गया, फिर लादा गया, आप थक रहे हैं, थक रहे हैं, आप कहते हैं बस करो बस करो, या आप सोचते हैं बस करो बस करो, या कई बार आप सोचते हैं चलो अच्छा एक ईंट और रख लेते हैं, तो कई बार वो आखिरी ईंट भारी पड़ जाती है, और होता क्या है कि आप गिर पड़ते हैं, ये सारी ईंटें नीचे गिर जाती हैं। कभी कभी ये लास्ट स्ट्रॉ वो लोड है जो बिल्कुल भी झेला नहीं जा सकेगा, अब अगर और ज्यादा बढ़ा दिया तो फिर वो टूट ही जाएगा, गिर जाएगा, ये देखिए घोड़ा गिरा जा रहा, ऊंट गिरा जा रहा, मेरी बात आप समझ रहे हैं, इतना ठीक है, इतना झेल ले गया, अब इसको रखा तो पक्का गिर जाएगा, बात मेरी समझ में आ गई ना। तो क्या है, एक एक फाइनल प्रॉब्लम इन सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स, ये सब समस्याएं ही हैं, आफत ही है, बोझ ही है, और ये एक ऐसा बोझ है कि इसके आते ही सिचुएशन इनटॉलरेबल हो जाएगी, आप कुछ नहीं सधेगा, सब बिखर जाएगा, सब फैल सजाएगा, जैसे तैसे करके ये आप साध भी रहे थे, और ये जो आखिरी का स्ट्रॉ ये रख दिया, तब तो गिरी पड़े आप नहीं सधेगा कुछ भी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ज़रूर इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखा होगा, अगर ये सेशन आपको बेनिफिशियल लगा है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाके आप ये बता सकते हैं कि आपने क्या खास इस सेशन से सीखा है, आप चाहें तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, यूं ही मन लगा के पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, हैप्पी लर्निंग।